इस पार्ट में हम मेल मर्ज के बारे में देखेंगे। मेल मर्ज क्या होता है? मान लीजिए मुझे ये लेटर है, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये लेटर है, और मैं टीम का मैनेजर हूं। मैं अपने टीम मेंबर्स को बताना चाहता हूं कि सबको 10 बजे 20 तारीख को पहुंचना है, मैच के लिए पहुंचना है। अब मैं ये चिट्ठी जो है, ये लेटर जो है, मुझे अपने टीम मेंबर्स को भेजना है, और 11 टीम मेंबर है मेरे पास। सबको टीम में, सबको ये चिट्ठी इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके सबको ये चिट्ठी भेजनी है मुझे। अगर ये लेटर मुझे भेजना है तो मैं हर एक का एड्रेस अलग अलग टाइप करके, और यहाँ पे मुझे नाम भी अगर टाइप करना है तो डियर, और मुझे यहाँ पे नाम टाइप करना है, जो भी जिसको भी जा रहा है उनका पर्टिकुलर नाम आना चाहिए और ऊपर उनका नाम और एड्रेस आना चाहिए। तो मैं हर एक का बैठ के बनाते रहूंगा तो काफी समय व्यस्त होगा उसमें, और इसको आसान करने के लिए ही ये मेल मर्ज का ऑप्शन वर्ड में दिया गया है। मेल मर्ज का मतलब, मेल मतलब आप जो चिट्ठी विट्टी भेज रहे हैं, मेल मर्ज मतलब उसको जोड़ना। तो इसको कैसे जोड़ना है, कैसे करना है, ये चीजें आइए देखते हैं। मेल मर्ज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर मेलिंग्स जो ऑप्शन है उसमें जाइए, वहां पे क्लिक करिए, और वहां पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस हैं। उसमें पहला जो ऑप्शन है वो आपको स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करेंगे तो आपको चॉइस सर्च कर सकते हैं कि आपको क्या लेटर बनाना है, या ईमेल में भेजना है, या एनवेलप बनाना है, या लेबल बनाना है, क्या बनाना है पूछे। फिलहाल हम लेटर बना रहे हैं तो इसलिए हम लेटर में क्लिक करेंगे, तो ये लेटर का ही हम पूरा अभी बनाने वाले हैं। मेल मर्ज अगर कंफ्यूजिंग है तो मेल मर्ज लेटर चूज करने के बाद आपको दूसरा चीज, आपको अपने रेसिपियंट्स चूज करने, मतलब किसको ये चिट्ठी भेजना है उनकी जानकारी यहां से एंट्री करनी है। तो आप सिलेक्ट रेसिपियंट्स में क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूछेगा कि आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है क्या, किस किन को भेजना है। अगर नहीं है तो आप ये नया लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट में क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा एक स्क्रीन आएगा जहां पे आप सब जानकारी भर सकते हैं, जैसे टाइटल, जैसे मैंने मिस्टर लिख दिया, फर्स्ट नेम उनका पहला नाम, फिर उनका लास्ट नेम, कंपनी नेम, फिर उसके बाद उनका एड्रेस। मैं अभी फिलहाल मुंबई लिख देता हूँ, शहर का नाम मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, जिप कोड लिख देता हूँ पिन कोड, कंट्री कौन सा इंडिया, और उनका फोन नंबर वगैरह 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 वगैरह। तो ये सारी चीजें मैं उनको भर सकता हूँ। ऐसे ही मैं बाकी लोगों का भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, टोनी इंडिया, रांची, तो ऐसा करके मैं इन सब का मैं नाम पता सब लिख देता हूं। मैं लिख दिया, मैं हम फिलहाल अभी तीन लोगों का नाम लेके चलेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि ये कैसे दिखता है उसमें। तो ये फिलहाल हमने लिख दिया है, इसमें तीन लोगों के नाम हमने भर दिए। जैसे ही आप तीन लोगों के नाम भर दिया तो इसको आपको सेव करना पड़ेगा, तो इसको ओके क्लिक करिए तो ये सेव करने को पूछेगा। इसको कहाँ सेव करना है आप अपने मनमर्जी, जहां पे आपको याद रहेगा वहां पे आप इसको सेव करके रखिए। फिलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इसका फाइल का नाम दिया है मैंने एड्रेस, तो सेव कर दिया मैंने, उस फाइल में सेव कर दिया है। अभी मैं इसको यहां पे कैसे लेके आऊं, इसको इंक्लूड कैसे करूं यहां पे, उसके लिए मैं यहां से इंसर्ट मर्ज फील्ड करके दिया हुआ है, इस ऑप्शन को क्लिक कर सकता हूं, या फिर मैं एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक कर सकता हूं। तो मैं एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है, देखिए आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि कैसे ये नाम आएगा, 2-3 ऐसा नाम दिखेगा ये एड्रेस ब्लॉक में। मैंने ओके कर दिया तो ये एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे आ गया, मतलब इनका एड्रेस यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पे डियर जो लिखा है यहाँ पे, इनको इसको ग्रीटिंग्स लाइन बोलते हैं, मतलब डियर क्या नाम है उनका नाम यहाँ डालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन में जाके मैं क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली पूछेगा कि मुझे क्या ग्रीटिंग लाइन टाइप करना है, डियर उसके बाद क्या लिखना है मुझे,
और कमा ऐसा आएगा। तो ये प्रीव्यू में आप देख रहे हैं डियर मिस्टर टेंडुलकर आएगा, इसको ओके कर दिया मैंने और नीचे का जो डियर लाइन है इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये बन गया है अपना लेटर। अब ये देखना पड़ेगा कि ये बराबर सबका नाम आ रहा है कि नहीं, सबका पता आ रहा है कि नहीं। तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, आप यहां ऊपर जाके प्रीव्यू रिजल्ट्स में देख सकते हैं। तो मैं प्रीव्यू रिजल्ट्स में क्लिक करूंगा तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे नाम पता सब आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी डियर मिस्टर टेंडुलकर आ गया है। तो ये प्रीव्यू पहला रिकॉर्ड है। इसके बाद फिर अगले आदमी कैसे दिखता है, धोनी का कैसे दिखता है देखते हैं। इसको राइट एरो क्लिक करेंगे तो आपको धोनी का डिटेल्स आ गया है। तीसरा नंबर रविचंद्र अश्विन का आ गया। तो इससे जो है आप पूरा का पूरा चीज बिना सब टाइप किए एक ही झटके में आप उसको कर सकते हैं। इसको प्रीव्यू रिजल्ट्स को बंद कर देंगे और अभी फिनिश एंड मर्ज, इसको खत्म करने के लिए फिनिश एंड मर्ज में आपको क्लिक करना है और इसको प्रिंट करना है। इसको या तो आप एडिट कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ और चेंजेस इंडिविजुअली करने हैं तो आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस किस को रिकॉर्ड करना है, कौन कौन से रिकॉर्ड, हमने बस तीन है, सारे रिकॉर्ड्स को अपने को मर्ज करना है। तो ऑल सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये एक अलग फाइल खुल गया, लेटर्स वन का फाइल खुल गया, जहां पे आप देख सकते हैं पहला लेटर सचिन तेंदुलकर को है, दूसरा लेटर एमएस धोनी को है और तीसरा लेटर जो है रविचंद्र अश्विन को है। ये तीन लेटर आ गए। इसमें आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहेंगे तो चेंजेस करके फिर आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सीधे प्रिंट करना चाहेंगे तो आप सीधा फिनिश मर्ज में जाके प्रिंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो कौन से प्रिंटर के पास जाएगा ये पूछेगा। आप कौन से रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहेंगे, ऑल ओके क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कौन से प्रिंटर में आपको प्रिंटिंग करना है। तो ये प्रिंटर है, इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये सारे लेटर जो है प्रिंटर को चले जाएंगे, वहां पे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके जरिए जो है आप बिल्कुल मेल मर्ज को यूज करके आप काफी अच्छे से मेलिंग वगैरह कर सकते हैं फिलहाल।